नहीं बचवा फंडामेंटल क्लासेस में तुम सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास टू यानी लेक्चर टू मोशन चैप्टर, जो क्लास नाइन का था, फिजिक्स का पहला बेसिक चैप्टर जिसका हमने लेक्चर वन या क्लास वन कर चुका है, जिसमें हमने मोशन को समझा था। मोशन लिटरली कॉजेज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, जिसके बारे में बेहद ही अच्छी तरह से समझ चुका था। मोशन को हमने एक रेफरेंस पॉइंट और दूसरा टाइम के साथ रिलेट किया था, इसको भी समझा था। मोशन का मेजरमेंट जो था टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, जो स्पीड एंड वेलोसिटी था, स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड था एंड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे, एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी, ये सब के बारे में हमने अच्छी तरह से समझ लिया था। अब मोशन दो ढंग का था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसे हम डे टू डे मिलते रहते हैं, दूसरा यूनिफॉर्म मोशन जो हमारा एक कंसेप्ट था और जिससे हमारा मिलना डे टू डे नहीं होता था, वैसे इसको किया जा सकता है। तो अब यूनिफॉर्म मोशन भी दो ढंग के होंगे, बेस्ड ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी यूनिफॉर्म स्पीड वाला और यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला, तो इसको यहीं तक रखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होंगे या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होंगे। फर्दर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड स्पीड होंगे और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड स्पीड होंगे। सेम ढंग से uniformly accelerated velocity होंगे, not uniformly accelerated velocity होंगे, non uniform velocity का दो category होंगे। इसको बहुत ही अच्छी तरह से तुम ध्यान लगा समझ लो, क्योंकि ऊपर वाला तो हम समझ चुके हैं। अब यहाँ जो non uniform velocity या speed का केस था, उसमें एक है अलग ढंग का फिजिकल क्वांटिटी जो कि एक्सीलरेशन था, हमने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि कॉज था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी के लिए। तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड स्पीड या वेलोसिटी हम उसे कहेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट या कार अपने स्पीड या वेलोसिटी को हर टाइम इंटरवल पर एक कांस्टेंट अमाउंट से बढ़ाती चली जा रही है। तो वो कांस्टेंट अमाउंट कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे तुम समझ सकते हो कि अगर एक कार पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की दूरी तय करती है, दूसरे सेकंड में वह 7 मीटर का, तीसरे सेकंड में 9 मीटर का, चौथे सेकंड में 11 एंड सो ऑन, मतलब ये कि हर सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड से उसका वेलोसिटी बढ़ता चला जा रहा है, तो उसको हम यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड स्पीड या वेलोसिटी कहेंगे। वेयर एज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड स्पीड या वेलोसिटी के केस में हर टाइम इंटरवल में जो स्पीड का बढ़ना या घटना होगा वो तो होगा, लेकिन एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी से नहीं होगा, उसको हम नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड स्पीड या वेलोसिटी कहेंगे। इसका एक और बढ़िया एग्जांपल अगर तुम समझना चाहते हो तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था, अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 किलोमीटर ऊंचा से छोड़ दो तो वह ऑब्जेक्ट ऑफकोर्स 0 स्पीड होगा उसका इनिशियल, लेकिन जब स्पीड बढ़ाना स्टार्ट करें तो पहले सेकंड के लास्ट तक 9.81 मीटर पर सेकंड का स्पीड उसको होगा, दूसरे सेकंड में डबल 2 × 9.81 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में 3 × 9.81 मीटर पर सेकंड, चौथे सेकंड में 4 × 9.81 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन। कहने का मतलब हर सेकंड में जो कि उसका टाइम इंटरवल है 9.81 एक कांस्टेंट स्पीड है, तो वही 9.81 मीटर पर सेकंड से उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, तो वह जो है एक इनफॉर्मली एक्सीलरेटेड स्पीड या वेलोसिटी का बढ़िया एग्जांपल हो सकता है। तो बच्चों अब हम उस फिजिकल क्वांटिटी का डिस्कशन करने वाले हैं जिसको ऊपर कितनी बार हम चर्चा कर चुके हैं, वह है एक्सीलरेशन। आशा करता हूं इतनी चर्चा के बाद तुम
क्या इसका डेफिनेशन हो सकता है अंदाजा लगा चुके होंगे। चलो इसको डिफाइन कर लेते हैं। एक्सीलरेशन इज अ मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, जिसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और जिसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और छोटा वाला सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कार है जिसका इनिशियल स्पीड यू और फाइनल स्पीड वी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल टी हो जाता है, तो उस केस में एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होगा, जो कि इक्वल टू होगा फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम t। तो ये हुआ तुम्हारा एक्सीलरेशन। अब हम बात करने वाले हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि पहला हम जो वेलोसिटी की डिस्कशन ऊपर किया है a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो v इज इक्वल टू u प्लस at हमारा पहला इक्वेशन होगा, जिससे हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन या वेलोसिटी टाइम इक्वेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा जो कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को s है, तो क्लास वन में हमने देखा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन वाला स्पीड से चल रहा है, उसका इनिशियल स्पीड u ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t भी हो जाता है, तो एवरेज जो वेलोसिटी होगा उसका सिंपल अरिथमेटिक मीन होने वाला है। तो अब एवरेज वेलोसिटी v प्लस u अपॉन 2 होगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे t से तो ये हमारा डिस्टेंस दे देगा। इसी में अगर हम v के जगह पे इक्वेशन 1 से u प्लस at पुट करके सॉल्यूशन निकालते हैं, जो कि सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो कि हमारा दूसरा इक्वेशन है, जो कि पोजीशन टाइम रिलेशन या पोजीशन टाइम इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। अब तीसरा इक्वेशन हम पहले और दूसरे की मदद से निकालने वाले हैं। a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, s इज इक्वल टू v प्लस u अपॉन 2 इनटू t। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसा कि तुम देख रहे हो a इनटू s इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t इनटू v प्लस u अपॉन 2 इनटू t। t से t कटेंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, अगेन ये 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, जो कि तीसरा इक्वेशन होगा जिसे हम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन या पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन कहेंगे। तो अब हम एक न्यूमेरिकल देखने वाले हैं कि अब बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। तो अब एक बस है जिसकी इनिशियल स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर होती है 5 सेकेंड में, तो उसका एक्सीलरेशन जो हमने ऊपर बात किया है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। तो बच्चों यहाँ तो क्वेश्चन आसान है, तुमको लग रहा है कि 60 माइनस 80 अपॉन टाइम टी, तो ऐसा नहीं। इसमें तो एक इम्पॉर्टेंट जो जानकारी आपको मैं दे रहा हूं और ये सबों के लिए है कि जब भी इस ढंग का न्यूमेरिकल कोई भी केमिस्ट्री या फिजिक्स का न्यूमेरिकल तुम सॉल्व करो, इससे पहले उसके क्वांटिटी पे ध्यान दो और उसके यूनिट पर ध्यान दे दो और यूनिट को यूनिफॉर्म कर लो। ऐसा यूनिट में मैक्सिमम तुम करो, लेकिन कोई आवश्यक नहीं, जो भी सूटेबल यूनिट तुमको दिखता है हर फिजिकल क्वांटिटी का एक ही यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ टाइम सेकेंड में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, सेकेंड वाला टाइम ऐसा यूनिट हो सकता है, तो इसको हमको ऐसा यूनिट बनाना
पड़ेगा। तो फाइनल वेलोसिटी जो 60 किलोमीटर पर आवर है, सिंपल किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, एंड आवर 60 इंटू 60 इससे हमारा 16.667 मीटर पर सेकेंड का भी हुआ फाइनल। इसी ढंग से इनिशियल वेलोसिटी यू 22.223 मीटर पर सेकेंड, जो कि टाइम इंटरवल 5 सेकेंड के अंतराल में होता है। तो अब तुम्हारा एक्सेलरेशन सिंपल निकलेगा, फाइनल वेलोसिटी जो कि 60 किलोमीटर जिसको हमने निकाला है 16.667 मीटर पर सेकेंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 22.223, उसको टाइम इंटरवल 5 से डिवाइड करेंगे तो -1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मिलेगा, जो कि यह रिटार्डेशन है। तो यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो तो स्पीड को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। तो स्पीड को घटाने वाला एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं, जो कि माइनस में आता है। या ऊपर जितने भी हमारा इक्वेशन है, अगर रिटार्डेशन है तो हम एक्सेलरेशन को माइनस रखेंगे वहां पे। तो अब हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफ के बारे में डिटेल्स तुम्हारा मैथमेटिक्स का एक चैप्टर ही है जिसमें तुम पढ़ते हो, लेकिन यहाँ जो ग्राफ के बारे में हम जानेंगे वो उसी ढंग का है। लेकिन ग्राफ आवश्यक क्यों है पहले इसको समझो। देखो, ग्राफ किसी भी दो जो अननोन क्वांटिटी है उसको रिलेट करता है और बहुत ही सही ढंग से प्रेजेंट करता है, जो कि किसी को या हमको या तुमको समझने के लिए आसानी होता है। तो तुम क्रिकेट का अगर मैच देखते होगे या कोई भी गेम देखते होगे तो उसमें ग्राफिकल फॉर्म में तुम्हारा बार ग्राफ आता है, ये सब आता है, दिखाता रहता है कितना ओवर हो गया, कितना रन बन गया। तो ये सिंपल और अंडरस्टैंड करने में बहुत ही फास्ट यानी विजुअलाइज करने में बहुत ही आसान होता है। तो इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आवश्यक होता है। तो हम मोशन को ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करें? पहली बात सिंपल है, जो कि हमने कहा है, मोशन को हम रेफरेंस पॉइंट से रिलेट करने वाले हैं, टाइम से रिलेट करने वाले हैं। तो चेंज जो होगी मोशन में वो तो डिस्टेंस होनी है या वेलोसिटी और स्पीड कह सकते हो ये होनी है। तो अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ग्राफ को प्लॉट करें तो एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम रखेंगे और उसका जो y एक्सिस और x एक्सिस जहां मिलता है ओरिजिन वो रेफरेंस पॉइंट होगा। दूसरे y एक्सिस पर हम या तो डिस्टेंस रख दे या वेलोसिटी रख दे। अगर हम डिस्टेंस या वेलोसिटी को टाइम से रिलेट करते हुए चले जाए तो एक जो हमारा लाइन या जो भी मिलेगा वही उसका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो कि उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हुआ हमारा ग्राफ। तो पहला रिप्रेजेंटेशन जो ग्राफ का होने वाला है वो डिस्टेंस टाइम का होगा, जो यूनिफॉर्म मोशन के लिए होगा। अब तुम्हारे सामने आ गया बहुत ही सिंपल सा एक लाइन जिस पे हम टाइम दिखा रहे हैं वो मिनट में है यहाँ, लेकिन मोस्टली हम सेकेंड में ही रखते हैं, चलो मिनट में तो मिनट में। और दूसरा जो इसके परपेंडिकुलर है उस पे डिस्टेंस को हम प्लॉट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जहां दोनों लाइन मिल रहे हैं वो हमारा ओ ओरिजिन पॉइंट हुआ, वहीं से हमारा टाइम स्टार्ट होगा और डिस्टेंस भी स्टार्ट होने वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो समझना पड़ेगा। तो समझो कि यूनिफॉर्म मोशन में होता क्या है कि हर इंटरवल ऑफ टाइम में एक फिक्स जिसको कांस्टेंट डिस्टेंस कहते हैं ऑब्जेक्ट ट्रेवल करती चली जाती है। तो अब ऐसा अगर होता है तो ओरिजिन से हमारा ओ और बी की डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, वो नेचर होगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन का, जो कि हम ओरिजिन टाइम और डिस्टेंस से रिलेट करेंगे। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम समझो कोई भी पॉइंट रहने दो, उस पॉइंट से अगर हम दोनों एक्स या वाई जहां टाइम है या डिस्टेंस है उस पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ओ पॉइंट हमारा
टाइम और डिस्टेंस को इंडिकेट करेगा और दूसरे पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो दूसरा टाइम और डिस्टेंस को इंडिकेट करेगा। तो डिस्टेंस का डिफरेंस अपॉन टाइम का डिफरेंस को डिवाइड करेंगे तो हमारा वेलोसिटी उस पार्टिकुलर सेक्शन में यानी उस पार्टिकुलर डिस्टेंस में वेलोसिटी मिलेगा। लेकिन वैसे ये यूनिफॉर्म मोशन है तो कहीं भी रहने दो वेलोसिटी एक ही मिलने वाली है। यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ को जानने के बाद हम अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ को जानेंगे। तो हमने क्लास वन में ये देखा था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का टाइम और डिस्टेंस ग्राफ जो है कर्व्ड शेप का होता है, लेकिन अगर हमको एक्चुअल ग्राफ ड्रॉ करना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसको एक्सीलरेटेड मोशन भी कहते हैं तो उस केस में हमें एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वह ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस इच टाइम इंटरवल में कवर करती हुई आगे जा रही है उसकी जानकारी होना आवश्यक है। तब तो हम इस ढंग से कुछ एक्स एक्सिस पे टाइम को वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे और एक पार्टिकुलर टाइम में जो डिस्टेंस ड्रॉ हो रहा है उसका हम पॉइंट को जो है लोकेट करेंगे ग्राफ पे और सभी पॉइंट को फ्री हैंड से मिला देंगे तो वह हो जाएगा हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के केस में तो सब कुछ वैसे ही रहने वाली है। एक्स एक्सिस पे हम टाइम वो हमारा ओरिजिन है और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे प्लॉट करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है यूनिफॉर्म मोशन के केस में, वेलोसिटी हर टाइम इंटरवल पे एक ही मिलने वाली है। तो जाहिर सी बात है जो हम रिलेशन एस्टैब्लिश करने वाले हैं वेलोसिटी और टाइम के बीच तो वह रिलेशन दोनों का टाइम यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल जाने वाली है, मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन का टाइम वेलोसिटी रिलेशन टाइम यानी एक्स एक्सिस का पैरेलल होता है। अब जो सेंटेड पोर्शन है उसका मतलब क्या, तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो हमारा डिस्टेंस कवर होगा वह होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे समझो इस ग्राफ का जो है ए और बी दो पॉइंट है तो उस पॉइंट का बीच अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस पे तो वह है सी यानी कि टाइम एक्सिस पे आएगा और एक्स एक्सिस पे सी और डी पॉइंट पे मिलेगा। तो ये एरिया हो गया, अगर हम इस एरिया को कैलकुलेट कर ले जो कि हमारा ए सी वेलोसिटी कांस्टेंट है और सी डी टाइम हो गया जो कि टी टू माइनस टी वन करने से मिलने वाला है तो एस निकल जाएगा, एस इक्वल टू ए सी यानी कि वेलोसिटी इंटू सी डी टाइम जो कि 40 इंटू टी टू माइनस टी वन किलोमीटर है जो कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी है। तो यही इसका मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में है। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन जिसको हम ऊपर जान चुके हैं। इसमें ये दोनों चीजें हमको जाननी आवश्यक हो जाती है, टाइम इंटरवल एंड वेलोसिटी ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल जो कि इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे जीरो टाइम में जीरो वेलोसिटी है कोई बात नहीं, 5 सेकेंड के बाद 9 किलोमीटर पर आवर, 10 सेकेंड के बाद 18 किलोमीटर पर आवर, 15 सेकेंड के बाद 27 किलोमीटर पर आवर यानी कि इस 5 सेकेंड इंटरवल पे वेलोसिटी 9 किलोमीटर पर आवर ऐड होती जा रही है प्रीवियस वेलोसिटी के साथ, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अब ये दो पॉइंट को एक्स एक्सिस पे टाइम वाई एक्सिस पे वेलोसिटी हम प्लॉट करेंगे तो ग्राफ का नेचर एक लीनियर जो कि स्ट्रेट लाइन होगा जैसा कि तुमको दिख रहा है। अब ये जो शेडेड पोर्शन है उसका मतलब क्या, वही जो हम पहले जान चुके हैं उस ग्राफ का जो लाइन है उस पे ए और ई दो पॉइंट है, वहां से अगर हम पैरेलल लाइन वाई एक्सिस से ड्रॉ करेंगे
तो यह एक्स एक्सिस पे बी और सी पे मिलेगा। तो ये चार पॉइंट ए बी सी और ई जो एरिया एनक्लोज करेंगे वही उसका डिस्टेंस होगा उस टाइम इंटरवल के बीच, यानी ई पे टाइम टी टू है और ए पे टाइम टी वन है, तो टाइम इंटरवल टी टू माइनस टी वन हो गए। तो एरिया इज नथिंग बट विच इज इक्वल टू एरिया ए बी सी एंड ई विच इज ए ट्रेपेजियम। अब इसको हम दो पार्ट में कर दिए, फ्रॉम पॉइंट ए से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ किए एक्स एक्सिस के जो कि पॉइंट डी पे मिलेगा और ये दो सेगमेंट देगा, एक रेक्टेंगल का और दूसरा ट्रायंगल का। तो ये रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया हमको निकाल लिया तो ये हमारा दे देगा डिस्टेंस ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल विच इज टी टू माइनस टी वन। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो इस केस में तुम समझ लो कि जो ग्राफ हमारा प्लॉट होगा यानी दोनों का रिलेशन ग्राफ पे प्लॉट होगा उसका नेचर कुछ भी हो सकता है, नेचर मतलब शेप हो गया, चाहे वो है एक लाइन भी दिखा सकता है और जिगजैग लाइन भी दिखा सकता है जैसा कि तुमको ये दिख रहा है। ये तो तुम्हारा ये दो पॉइंट की जानकारी बहुत आवश्यक होगी इसमें, और नॉर्मल प्रेजेंटेशन होगा ग्राफ का टी जो होगा एक्स एक्सिस पे और वेलोसिटी वाई एक्सिस पे। तो उस टाइम इंटरवल के बीच क्या वेलोसिटी है वो दिया रहेगा, उस टाइम पे उस वेलोसिटी को रिलेट करते चले जाओ और फ्री हैंड से तुम अपना उसका नेचर ग्राफ पे दिखा दो तो यह हो जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। अब हम ग्राफिकल मेथड का यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ मोशन प्राप्त करेंगे। हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन था वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, जिसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ मोशन से निकालेंगे। अब ये हमारे एक ग्राफ है जिसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे एज यूजुअल टाइम प्लॉट करने वाले हैं, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी प्लॉट होगी। यहाँ पे हम एक जो यू ले रहे हैं y एक्सिस पे ए पॉइंट है जहां की वेलोसिटी u है। अब ऑफ कोर्स हम ओरिजिन से जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पे वेलोसिटी और टाइम जीरो कंसीडर करते हैं, यहां हम किसी एक वेलोसिटी का पॉइंट u कंसीडर करते हैं और u से टाइम इंक्रीज करता जाता है और हम वेलोसिटी और टाइम को जब रिलेट करते हैं तो एक हमारा ए बी नेचर वाला ग्राफ मिलता है। ऑफ कोर्स यह एक एक्सेलरेटेड मोशन वाला ग्राफ है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ इसको तुम कह सकते हो। अब उस केस में देखो कैसे निकालने वाले हैं हम, ओ ई जो कि फाइनल वेलोसिटी है विच इज इक्वल टू बी सी, फ्रॉम पॉइंट बी से पैरेलल लाइन अगर हम वाई क्या ड्रॉ करें तो वह एक्स एक्सिस पे सी पे मिल रही है। तो ये फाइनल वेलोसिटी ओ ई इज इक्वल टू बी सी विच इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी एंड बी डी डी सी नथिंग बट ओ ए। नाउ अगर हम सब्स्टिट्यूट करें बी सी विच इज यू इन दिस सॉरी वी बी सी इज इक्वल टू वी फाइनल वेलोसिटी एंड ओ ए इज इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी, वी गेट वी इज इक्वल टू बी डी प्लस यू और बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू विच इज अ चेंज इन वेलोसिटी। अगर उसमें हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारा निकलेगा। अच्छा, फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ अब हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, वो चेंज इन वेलोसिटी जो बी डी है उसका टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम जीरो से टी है, यानी कि ए डी है विच इज इक्वल टू ओ सी है। तो अब ए डी इज इक्वल टू ओ सी जो कि टाइम है टी, तो हमको बी डी इज इक्वल टू ए टी मिल गया। तो अब हम ऊपर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जिसको हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन कहेंगे निकाल लिए आसानी से।
तो अब हम दूसरा वाला पोजीशन टाइम इक्वेशन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ मोशन का यूज करके निकालने वाले हैं। ग्राफ हमारा पहले ही जैसा होगा, एक्स एक्सिस पे टाइम को प्लॉट किया, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को प्लॉट किया। हम वाई एक्सिस पे एक पॉइंट ए कंसीडर किया जहां की इनिशियल वेलोसिटी यू है, वहां से टाइम को रिलेट करना स्टार्ट किया वेलोसिटी के साथ, तो ग्राफ का नेचर ए बी वाला मिला। फ्रॉम बी पॉइंट जहां की फाइनल वेलोसिटी वी है, हमने वाई के पैरेलल एक लाइन बी सी ड्रॉ किया जो एक्स एक्सिस पे सी पॉइंट पे मिल रहा है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल बी ई ड्रॉ किया जो वाई एक्सिस पे ई पॉइंट पे मिल रहा है। फ्रॉम पॉइंट ए हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक दूसरा लाइन ड्रॉ किया जो पॉइंट डी पे मिल रहा है जो कि बी सी के ऊपर एक पॉइंट है। ये इतना चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। अब जो हम जानते हैं जो एरिया होगा ग्राफ का वो एक्स एक्सिस के साथ टाइम के साथ, वही एरिया एक डिस्टेंस को शो करता है उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे। तो यहाँ ए बी को हम दोनों पॉइंट को अगर हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर ले जो कि पैरेलल होगा वाई एक्सिस के, तो वह ओ और सी पे मिलने वाले हैं। तो एरिया एनक्लोज्ड बाय द पॉइंट ओ ए बी एंड सी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ओ टू सी। ओके, तो नाउ s इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी सी। ये तो क्लियर है, इसको हमने दो सेगमेंट में बांट रहा है। एक एरिया है रेक्टेंगल का जो कि ओ ए बी सी है, दूसरा है ट्रायंगल का जो कि है एरिया ए बी डी का। अब इसको जब हम निकालेंगे तो ये ओ ए इंटू ओ सी प्लस हाफ ए डी इंटू बी डी, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। ओ ए यू है ओ एंड सी विच इज इक्वल टू ए डी, ये टाइम है, एंड बी डी जो है वो ए डी है। अब इसको जब हम सब्स्टिट्यूट कर दिया तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो कि है पोजिशन टाइम इक्वेशन, ये हमारा निकल गया। अब हम जानने वाले हैं तीसरा इक्वेशन जो कि है पोजिशन वेलोसिटी इक्वेशन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ग्राफ तो वैसा ही रहने वाली है, कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। तो अब हम जानते हैं जो इसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है दैट इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विच इज ओ ए बी एंड सी एंड विच इज इक्वल टू सम ऑफ द पैरेलल लाइन अपॉन टू इनटू ओ सी। ओके, तो नाउ अब सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं ओ ए इज इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी, बी सी इज इक्वल टू ई ओ या ओ ई विच इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी वी, एंड ओ सी इज नथिंग बट द टाइम। नाउ we get s is equal to v plus u upon 2 into t. Ab now we know from the velocity time relation t is equal to v minus u upon a, which is acceleration. Ab substitute t in 1, which is equal to s is equal to v plus u into v minus u upon 2a, and finally we get 2a s is equal to v square minus u square, which is the velocity, sorry, position velocity equation. तो अब हम एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जैसा कि हमने ऊपर बात किया था, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो हमेशा पूछा जाता है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी है क्या। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक इसका कंसेप्ट अगर ध्यान रखोगे, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी जो भी निकलनी है, टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टोटल टाइम, ये इसका कंसेप्ट ख्याल रखो। तो एक क्वेश्चन हम देखेंगे, अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर और हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। अब इसमें सिंपल ये नहीं है कि आप दोनों वेलोसिटी को ऐड कर दे और 2 से डिवाइड कर दे, ऐसा नहीं है। आपको टाइम निकालना पड़ेगा एंड टोटल डिस्टेंस, ऑफ कोर्स डिस्टेंस तो सेम ही है, टाइम निकालना पड़ेगा इसमें। अब देखिए इसका सलूशन के लिए हम पहले लेट ए बी द अब्दुल हाउस, यहाँ पे ए अब्दुल का हाउस है और बी स्कूल है जिसके बीच एक डिस्टेंस है जिसको हमने डी मान लिया है। अब वह 20 किलोमीटर पर आवर से अपने घर से स्कूल जाता है तो उसमें जो टाइम उसने लिया है वो T1 माना है। जब वो स्कूल आता है तो उस समय उसकी एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है तो उस समय जो टाइम उसने लिया है वो T2 है। ऑफ कोर्स T1 एंड T2 डिफरेंट होने वाला है। तो सिंपल अब T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस जो कि डी है अपॉन वेलोसिटी जो कि एवरेज वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है। तो ये डी अपॉन 20 आवर एंड T2 सिमिलरली डी अपॉन 30 आवर लगेंगे। अब निकालेंगे एवरेज स्पीड जो कि टोटल डिस्टेंस विच इज डी प्लस डी 2d एंड टाइम टेकन T1 प्लस T2। अब इसको सॉल्यूशन निकालना है आपको, मैथमेटिकल सॉल्यूशन पे ध्यान रखना है आपको। ये जो है आपका सॉल्व करने के बाद 24 किलोमीटर पर आवर का आंसर इसका देगा जो कि इसकी एवरेज स्पीड होगी फ्रॉम होम टू स्कूल एंड स्कूल टू होम। तो अब हम एक अलग ढंग का मोशन की बात करेंगे जो है सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये एक सर्कल के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट मूव करती है उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे, चलो ठीक है। यहाँ पे स्पीड एंड वेलोसिटी की बात कर लेते हैं पहले। स्पीड का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी अब समझो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उस केस में ऐसा कौन सा सिचुएशन होगा कि भाई वो वेलोसिटी चेंज हो जाए। तो अब चेंज होने के लिए वेलोसिटी को हम डायरेक्शन से डिनोट करते हैं। कांस्टेंट स्पीड भी है अगर उसको हम वेलोसिटी मान लेते हैं तो रेक्टेंगुलर पाथ जो कि क्लोज्ड पाथ है। अब क्लोज्ड पाथ की बात करते हैं, पहले हम लाइन पे मोशन की बात किए थे, अब क्लोज्ड पाथ की बात करेंगे। तो इसमें अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है फिर भी उसको फोर प्लेस पे अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है, मतलब कि फोर डिफरेंट वेलोसिटी यहाँ पे मिलने वाली है। उसी केस में अगर हम एक हेक्सागोनल ट्रैक की बात करें तो उसमें अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है उस केस में भी सिक्स प्लेस पे उसको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा तो उस केस में सिक्स डिफरेंट वेलोसिटी मिलने वाली है। सिमिलरली इसी ढंग से हम ऑक्टागोनल से नैनागोनल से ऐसा बढ़ते जाएंगे तो उसके अनुसार इवन दो यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहने दो जितनी बार डायरेक्शन वो चेंज करता है वो वेलोसिटी डिफरेंट होती है क्योंकि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को इंडिकेट करता है। तो अगर हम सर्कुलर ट्रैक की बात करें तो उस केस में वेलोसिटी ईच एंड एवरी पॉइंट पे चेंज होने वाली है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी रहने दो उस केस में भी ईच एंड एवरी पॉइंट पे हर सेकेंड उसकी वेलोसिटी बदलती रहेगी। ये है कंसेप्ट हमारा क्लोज्ड पाथ पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से भी मूव कर रही है तो उस केस में, तो अब अगर सर्कुलर पाथ पे कोई एथलीट समझो मान लो मूव कर रहा है तो अगर उसका रेडियस r है उस केस में हम बात करेंगे। पहले हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देख लेते हैं क्या है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे एक यूनिफॉर्म मोशन से मूव करते हैं तो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
कहेंगे और यूनिफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं. ऑफ कोर्स वेलोसिटी ईच एंड एवरी पॉइंट पे बदलेगा उसके डायरेक्शन. अब अगर कोई एथलीट है जो कि t सेकंड में एक आर रेडियस वाला सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करती है अपना रनिंग, तो उसको हम स्पीड कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है, जो वेलोसिटी होता है और डिस्टेंस अपॉन टाइम. इस केस में अगर रेडियस आर है तो डिस्टेंस इज नथिंग बट अ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल विच इज 2 पाई आर. एंड इफ टी इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द सर्किल फ्रॉम वन पॉइंट, देन वी हैव टू डिवाइड इट बाय टी टू गेट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. फर्दर यहाँ हम दो न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं. वैसे तो न्यूमेरिकल बहुत सारा है, तुम एनसीईआरटी का बुक रेफर करो और जितना भी न्यूमेरिकल है सब तुम बना डालो. खुद से कंसेप्ट क्लियर करके ख्याल रखना इस बात को. न्यूमेरिकल तब तक बनाओ जब तक कि तुम खुद से उसको कंप्लीट नहीं कर पाओ. अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं. A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 50 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? अब सिंपल बातें हैं. एक लाइन ग्राफ हम दिखाते हैं. स्टोन जब हम थ्रो कर रहे हैं ऊपर तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है और वह जो हाइट अटेंड कर रहा है एच से, अब वो हाइट अटेंड करेगा तो उस हाइट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होने वाली है क्योंकि उसके अगेंस्ट में यानी कि अपवर्ड वेलोसिटी तो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल जो है एक्सीलरेशन काम कर रहा है जिसको अर्थ का एक्सीलरेशन कहेंगे. तो उस केस में जो हमने वहां बात की थी v इज इक्वल टू u प्लस at, ये जो एक्सीलरेशन था वह v के डायरेक्शन में काम कर रहा था और उसके स्पीड को बढ़ा रहा था, यानी कि इनिशियल स्पीड जो था वो बाद का स्पीड उससे और अधिक बढ़ता जा रहा था, तो वहां प्लस a था. यहां चूंकि वेलोसिटी के अपोजिट में एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो हमें माइनस देना पड़ेगा, इस बात को ख्याल रखना पड़ेगा आपको. तो इस केस में आपको हाइट निकालना है तो हम पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन अप्लाई करने वाले हैं जो कि है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. इस डिस्टेंस इज नथिंग बट हाइट हियर विच इज इक्वल टू 125 मीटर. ये सॉल्यूशन सिंपल है. यहाँ पे g इज नथिंग बट a, g को हम जो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको हम g कहते हैं. अब इसके बाद पूछ रहा है कि वह जो हाइट अटेंड किया उसमें टाइम कितना लगा. अब वेलोसिटी टाइम इक्वेशन इसमें अप्लाई कर देंगे. यहाँ पे g माइनस हमको देना पड़ेगा तो t 5 सेकंड निकलेगा. ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सिंपल है, तुम इसको देख लेना. कंसेप्ट अगर क्लियर है तो न्यूमेरिकल में कहीं कोई लफड़ा नहीं है. तो आंसर जो इसका फाइनल दो निकला वो हाइट अटेंड बाय द स्टोन इज 125 मीटर एंड टाइम टेकन टू अटेंड दैट हाइट व्हिच इज 125 मीटर इज 5 सेकंड. अब एक दूसरा क्वेश्चन जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे है. An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 km. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the Earth. ये सिंपल जो फॉर्मूला हमने देखा है कि स्पीड इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस 2 पाई आर अपॉन टाइम टेकन. यहाँ पे सर्कमफेरेंस निकालना है, रेडियस दिया हुआ है और टाइम टेकन 24 आवर्स दिया हुआ है. हम सेम अप्लाई कर देते हैं, सर्कमफेरेंस 2 इनटू पाई 22 अपॉन 7 इनटू रेडियस 42,250 डिवाइडेड बाई टाइम विच इज 24 आवर्स. तो इसका आंसर निकलेगा 1055.41 किलोमीटर पर आवर, जिसको तुम अगर किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहो क्योंकि यह बहुत बड़ा यूनिट है जिसको हम एक सेकेंड में कितना
किलोमीटर के अनुभवी बता सकते हैं विच इज इक्वल टू 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों अब यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है मोशन, जो कि पहला फिजिक्स का टॉपिक है तुम्हारे क्लास 9 का। तो अब हम तुमसे विदा चाहेंगे। अगर तुमको ये क्लास पसंद आया होगा इसे लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किए हो, और दोस्तों के बीच तो शेयर करना बनता है। तो मिलेंगे फिर अगले अगले टॉपिक में अगले क्लास में।